क्या आप भी जब कुकर में दाल या सब्जी बनाते हैं, कुकर कुछ इस तरह का गंदा हो जाता है? कढ़ी बनाते हैं, इस तरह का सॉफ्ट पकौड़ा ना बनते हुए इस तरह का हार्ड पकौड़ा बनता है? या फिर समोसे कचौरी बना रहे हैं, बिल्कुल हलवाई जैसे चिकने चुपड़े खस्ता ना बनते हुए बबल्स वाले और रब बनते हैं? इसी तरह की और भी बहुत सारी समस्याओं का समाधान आपको इस वीडियो में मिलेगा। हेलो स्मार्टीज, वेलकम टू सीमा स्मार्ट किचन। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपकी कुछ समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और अगर आपके पास भी कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स और समस्याएं हैं तो उन्हें आप मुझे जरूर बताइए, और आपके पास भी कुछ टिप्स हैं शेयर कीजिए। अगर आप चाहते हैं आपकी दाल भी बिल्कुल ढाबे और रेस्टोरेंट जैसे बने, तो कभी भी एक कटोरी अरहर दाल के साथ में दो चम्मच मूंग दाल लीजिए। अरहर दाल को तूर दाल या फिर तुअर दाल भी कहते हैं। इसके साथ मूंग दाल को मिलाकर बनाइए, बिल्कुल ढाबे जैसे बनेगी। और साथ ही दोनों दालों को एक घंटा भिगाने के बाद बनाएंगे। भीगी हुई दालें डाइजेस्ट होने के लिए इजी होती है। अगर एक कटोरी अरहर दाल है तो आपको इसमें तीन कटोरी पानी डालना है। किसी भी तरह की दाल को कुकर में बनाते समय उसमें हल्दी और नमक के साथ में दो से तीन बूंद घी या फिर तेल जरूर डालें। इससे दाल बाहर उबल के नहीं आएगी। पर एक बात का और साथ में ध्यान रखें, दाल में जब एक उबाल आ जाए उसके बाद ही इसकी ढक्कन लगाइए और फिर लगा दीजिए सीटी। इससे दाल कभी भी उबलेगी नहीं, क्योंकि हमने एक उबाल आने के बाद ढक्कन लगाया था। आपके कुकर का ढक्कन कभी भी खराब नहीं होगा। इसे आप एक बार जरूर आजमा कर देखिए, आप इस ट्रिक को हमेशा यूज करेंगे। एक उबाल आने के बाद ढक्कन लगाने वाली ट्रिक को आप छोले या फिर राजमा उबालते समय भी यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं आपकी ग्रेवी वाली सब्जियां बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसे कलर में बने, पर आपको फूड कलर भी यूज ना करना पड़े। ग्रेवी में रेस्टोरेंट या फिर ढाबे वाला कलर बिना फूड कलर लाने के लिए, जब भी आप तड़का लगा रहे हो घी या फिर तेल को गर्म कीजिए और सबसे पहले इसमें डाल दीजिए एक से डेढ़ चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च नहीं है, थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दीजिए और गरम कर लीजिए। जैसे ही इसमें थोड़े से बबल्स आने लगे, तुरंत ही इसमें डाल दीजिए मसाला। मसाले में आप प्याज लहसुन कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, पर हमेशा सबसे पहले लाल मिर्च डालें, उसके बाद डालें मसाले। एकदम परफेक्ट रेस्टोरेंट या फिर ढाबे वाली सब्जी का जो कलर होता है वो आसानी से आ जाएगा, क्योंकि हमने तेल या फिर घी में डाला है सबसे पहले लाल मिर्च। लाल मिर्च का जो ओरिजिनल कलर होता है वो तेल में छूट जाता है। जैसे जैसे आपकी सब्जी उबलेगी, एकदम रेस्टोरेंट वाला कलर अपने आप आ जाएगा। इस ट्रिक को भी जरूर यूज़ करके देखिए। मैं जब भी डेली कोई भी ग्रेवी वाली सब्जी बनाती हूँ, इसी ट्रिक को फॉलो करती हूँ। कम मिर्च में बिना फूड कलर एकदम परफेक्ट ढाबे वाला कलर आ जाता है। अगर आप चकली बना रहे हैं और चाहते हैं कि चकली टूटे भी नहीं और साथ ही एकदम एक ही साइज की सभी चकली तैयार हो, क्योंकि दिखने में ये बहुत अच्छी दिखती है। इस तरीके से आप एक साइज की तीन से चार प्लेट ले लीजिए, ऑयल से ग्रीस कर लीजिए और इन्हीं प्लेट के ऊपर आप चकली बनाइए। सभी चकली एक साइज की बनेगी। चकली मेकर से चकली बनाते समय अगर बीच बीच में से टूट जा रही है, इसका मतलब है आपने आटा जो गुथा है वो थोड़ा सा हार्ड है। उसे थोड़ा सा पानी और डालकर फिर से गुथ लीजिए, एकदम परफेक्ट चकली बन जाएगी। और जब आप चकली तल रहे हैं तब फ्लेम मीडियम होनी चाहिए। तेल गर्म होना चाहिए, फ्लेम मीडियम होनी चाहिए और फैलते हुए पैन में चकली तलिए। जितने आसानी से आ जाए उतने ही तलिए। जब इसके बबल्स थोड़े से सेटल डाउन हो जाए उसके बाद ही पलटिए। चकली कभी भी परफेक्ट बनेगी और टूटेगी भी नहीं। अगर आप इसे ठंडे तेल में डाल देते हैं तो ये टूटने लगती है, और तल लेने के बाद जब आप इसे एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर रहे हैं तब ध्यान से तीन से चार घंटे ठंडा होने के बाद स्टोर कीजिए। कभी भी चकली सॉफ्ट भी नहीं होगी, एकदम क्रिस्पी रहेगी जैसी आपने बनाई थी।
जब भी आप समोसे या कचौरी बना रहे हैं और आप चाहते हैं बिल्कुल हलवाई जैसे खस्ता और चिकने समोसे कचौरी बने, इसके लिए आपको एकदम परफेक्ट आटा लगाना होगा। हलवाई जैसे खस्ता चिकने समोसे या फिर कचौरी बनाने के लिए आटा लगाते समय कभी भी तेल, घी या फिर वनस्पति घी का ही यूज़ कीजिए, पर इनको कभी भी गर्म करके नहीं यूज़ करना है, ठंडा ही यूज़ करना है। अगर आपने एक कप मैदा लिया है, 2 टेबलस्पून ठंडा घी, तेल या फिर वनस्पति घी यूज़ कीजिए। वैसे घी और वनस्पति घी से ज़्यादा अच्छे समोसे या कचौरी बनते हैं। और आटा गूंथने के लिए जो पानी आप यूज़ कर रहे हैं वो नॉर्मल टेम्परेचर का होना चाहिए, साथ ही आटा थोड़ा सा सॉफ्ट गूंथना है, तभी समोसे कचौरी एकदम खस्ता और परफेक्ट बनते हैं। क्योंकि तलते समय हमें लो फ्लेम पर तलना होता है, लो फ्लेम पर जब धीरे धीरे ये कुक होते हैं ऊपर से एकदम प्लेन बनते हैं, साथ ही खस्ता भी बहुत बनते हैं। इसी तरह की और भी रेसिपीज देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और अगर नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर सकते हैं। अगर आपके कढ़ी वाले पकौड़े जालीदार और सॉफ्ट नहीं बनते हैं तो मेरी इस ट्रिक को जरूर यूज करके देखिए। बेसन भिगा लेने के बाद पकौड़े तलने के जस्ट पहले इसमें 1 पिंच बेकिंग सोडा डाल दीजिए, जिसे हम खाने वाला सोडा भी कहते हैं, और कंसिस्टेंसी आपने देख ही ली है कैसी होनी चाहिए। अब इसे फटाफट मिक्स करना है और तुरंत पकौड़े तल लेने हैं। पर तलने के पहले एक बात ध्यान रखिए, तेल अच्छे से गर्म होना चाहिए, फ्लेम मीडियम होनी चाहिए। और एक बात का विशेष ध्यान रखें, जिस भी भगोने या फिर कढ़ाई में आप तल रहे हैं तेल बहुत ज़्यादा नहीं भरना है। जितने भी बड़े आप पकौड़े बनाना चाहते हैं, पकौड़े पूरी तरह से अंदर ना डूबें इतना ही तेल डालें। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने कितना कम तेल डाला है। कम तेल में पकौड़े तलने से पकौड़े में थोड़े थोड़े बबल्स आ जाते हैं, होल्स हो जाते हैं और फूल करिए डबल हो जाते हैं। जब आप इन्हें कढ़ी में डालते हैं, कढ़ी सोक कर लेते हैं, इसकी वजह से सॉफ्ट और टेस्टी भी हो जाते हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं छोटी छोटी जालियां आना शुरू हो गई है। अगर आप भरी हुई कढ़ाई में मींस भरे हुए तेल में अगर इसे तल रहे हैं, इस तरह के जालीदार पकौड़े नहीं बनते हैं। अगर कम तेल है तभी बनते हैं। जितने भी पकौड़े आपको दिखाई दे रहे हैं आप देख सकते हैं सभी में छोटे छोटे होल्स हो गए हैं। सेम इसी तरह से रेस्टोरेंट और ढाबे में पकौड़े बनाए जाते हैं। इस ट्रिक को जरूर आजमाएं। जब इन होल्स में कढ़ी अंदर तक चली जाती है आपकी कढ़ी एकदम टेस्टी बनेगी। क्या आप इस तरह के टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो और भी देखना चाहते हैं, जरूर बताइए। मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। बाय बाय।